हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा हेयर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BHU पाठशाला। डेली रोज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट दिलवाता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। ओके, इनका जो कार्यकाल है वो है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक का इनका रहा है कार्यकाल, ठीक है। और इन्होंने लगातार 3 पूरे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री पद को संभाला है, ठीक है। इनका जो टोटल वर्किंग डे है वो है 16 ईयर 286 डेज़। ओके, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिसकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई, मतलब उनके कार्य के दौरान ही मृत्यु हो गई, वो हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 में हो गई। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते ही इनकी मृत्यु हो गई है। जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी। भारत की प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा जी ने भारत दो बार एज अ कार्यवाहक भारत का जो है प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हैं। ओके, भारत की प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, मतलब वो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई जी ये जनता पार्टी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई जी। इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया था, ये ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के. कामराज जी। ओके, होप आपको वीडियो समझ में आई होगी एंड ओके, थैंक यू।